हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजॉन पे, और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। गाड़ी की हालात देख रहे हो, क्या हालात हो रही है। और कल थोड़ी सी यहाँ पे क्रेटा वाले ने टच कर दी थी, तो इसको रबिंग वगैरह करानी है, साफ हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है क्या है, हमारी गाड़ी अभी तक चल चुकी है 31,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है टोटली। तो जो आज इसकी जो है फिफ्थ सर्विस है, और फिफ्थ सर्विस में क्या कुछ होगा वो चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, कितनी कॉस्ट वगैरह आ गई वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ETPMS के हिसाब से जो 30,000 या 24 महीने के अंदर जो सर्विस होती है उसके अंदर क्या है, फ्रंट व्हील अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है, मेजर सर्विस का जो चार्जेस है 1600 रुपये वो है, एसी फिल्टर है, व्हील बैलेंसिंग वेट है। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराएंगे, एसी फिल्टर चेंज नहीं कराएंगे। फिर ये कंज्यूमेबल है 1625 देखना होगा क्या है। फिर लेबर हो गया 2891 रुपये की, और स्पेयर पार्ट हो गया 542 रुपये, और 1625 का कंज्यूमेबल जो एड हुआ था, टोटल मिला के 5,000 के आसपास इसने कॉस्ट दिए। स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के अंदर दिखा रहा है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें, वैसे ऐसे चीज़ के अंदर कोई गाड़ी के अंदर इशू नहीं है। एक जो फ्रंट बैटरी है वो थोड़ी सी डाउन लगती है, बाकी इसका जो वायरलेस चार्जर है वो काम नहीं करता है, बहुत कम काम करता है। और तीसरा, इसके अंदर जो है टाइम जो है, अब जैसे पीछे सर्विस करवाई थी और अब सर्विस करवा रहे हैं, तो टाइम जो है पीछे चला ही जाता है इसका 10-15 मिनट। इसका आज तक हुआ नहीं है इलाज। देखो देखो यहाँ पे 10:03 और रखी है, और इधर देखोगे तो 10:17 और रखी है। ये रिमाइंडर आ जाता है, इधर भी रिमाइंडर आया है, इसको भी बता दूंगा कैसे हटाया जाता है। जैसे ये सर्विस का रिमाइंडर है ना यहाँ पे, इसको भी बता दूंगा कैसे हटाया जाता है। बाकी गाड़ी देख लो, 31,296 किलोमीटर चल चुकी है, और रेंज वगैरह अपनी 300 के आसपास दे देती है, 270-300। और गाड़ी को साफ़ सफाई करानी है और सर्विस करानी है, तो डायरेक्टली चलते हैं सर्विस सेंटर पर, और वहीं पर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम आगे हैं आर्या टाटा के अंदर, और देख रहे हो यहाँ पे ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है, वॉशिंग वगैरह हो रही है। हमारा जो जॉब कार्ड ओपन हो चुका है, तो सर बताइए क्या क्या किया है जॉब कार्ड में। फर्स्ट अपनी जो है पेड सर्विस है, ठीक है। जॉब कार्ड हमने सुरेंद्र जी के साथ बैठ के कर लिया है। सुरेंद्र जी बताइए क्या खर्चा आएगा अपना। देखो ये जो है 30,000 वाली सर्विस है, 30,000 वाली है, हाँ ठीक है। इसके अंदर आपका जो है इलेक्ट्रिकल चेकअप होगा, हाँ। सर्विस चार्ज रहेगा 2300 रुपये, 2300 रुपये। वॉशिंग क्लीनिंग होगी, हाँ। अंडर बॉडी चेकअप होगा, हाँ। टायर प्रेशर चेक होगा, हाँ। सस्पेंशन चेक होगा, हाँ। ब्रेक चेक होगा, ठीक है। बैटरिया चेक होगी, गियर ऑयल रिप्लेस होगा, 1 लीटर 300 ml जो है रिप्लेस होगा। गियर ऑयल, गियर ऑयल होता है क्या ईवी गाड़ी में? हाँ हाँ, अच्छा होता है। शिफ्टर जो यूज करता है वो ड्राइव कर, ठीक है। और व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, एसी फिल्टर रिप्लेस होगा, ये मैंडेटरी है, करवा लेना जो, हाँ ये मैंडेटरी है जी। आपका जो ये तो 30,000 वाली सर्विस है, करवाने चाहिए, कंपनी भी बोल रही है 15,000 का यहीं से करवा लो, क्या दिक्कत है। हाँ, ब्रेक कैलिपर कैलिब्रेशन होता है, एसी क्लीनिंग भी होता है, लुब्रिकेशन भी होता है, ये वैल्यू एडेड होता है, वैल्यू एडेड है, ये हम देखेंगे, हमें करवाने नहीं है, ठीक है। इसको ये कोई ना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और इश्यू क्या है, वैसे इश्यू कुछ है नहीं, ऑपरेशन अभी कोई आया नहीं मैक्स के अंदर, ठीक है। कोई म्यूजिक सिस्टम का नहीं है, कोई मतलब टाइम से भी नहीं है, ठीक है। टाइम तीन बोल दूँगी, बैटरी की ऐसे चेक करवा दूंगा, हेल्थ ऑक्स बैटरी चेक करवा दूंगा, वायरलेस चार्जर का चेक करवा देता हूँ, सस्पेंशन चेक होगा, ब्रेक चेक होगा, ठीक है। और ऐसा कोई कंसर्न नहीं। कितना खर्चा आ जाएगा मोटा मोटा? कितना खर्चा आ जाएगा? 1,000 का 2,100, 1,900 बहुत खर्चा, 4,000 है। हाँ, बाकी देखेंगे लास्ट में कितना पेड करते हैं, ठीक है। 10% आपका जो है डिस्काउंट, डिस्काउंट हो जाएगा, 10% डिस्काउंट भी है, ठीक है। सर स्टार्ट करो फटाफट, और गाड़ी की हालात गंदी हो रखी है, मैंने इसीलिए धोई नहीं गाड़ी कि भैया सर्विस करानी है। तो काफ़ी टाइम से अपना जो है गाड़ी देखोगे ना आप, तो काफ़ी टाइम से बुरी हो रखी है, अंदर से भी आप देखोगे ना तो गाड़ी जो है बुरी हो रखी है, बहुत गंदा हाल है, ठीक है। अभी जो है इसकी सर्विस वगैरह करवानी है, और देखते हैं हम क्या कुछ है। बाकी पंच गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी आ रही है, इसका यहाँ पे पूरा मायना कर रखा है इन्होंने, पंच की मोटर वोटर सब यहाँ से जो हटा रही है। देखो यहाँ पे वो लग सकता है इसका, ठीक है। और गाड़ियाँ चल रही है, इधर सर्विस वगैरह है, तो सर्विस का है अभी 11 बजे है, और शायद 3 बजे तक ये सर्विस से फ्री कर देंगे, वॉशिंग वगैरह करके ट्राई करते हैं क्विकली जो है सर्विस वगैरह हम जो है फिनिशिंग करवाने की। तो अभी देखते जाओ आप, वीडियो को एंड तक देखना, और सर्विस में ना देखो मेजर जो जो सजेशन होता है ना वो करवा लेना चाहिए। मेन है अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, गियर ऑयल, और अपना जो है एसी फिल्टर, तो वो करवा लेनी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए अभी सर्विस स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ क्या कुछ चीज़ें, फाइनल देखना क्या कुछ होता है। अब क्या होता है, जो ईवी का व्हीकल का सेगमेंट तो उधर कर दिया, बट जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग वाला जो काम है ना वो इसी में आइस वाले में कर रहे हैं, तो मैं वो दिखा देता हूँ। अपनी गाड़ी इधर आगे लग गई है, और बाकी गाड़ियों का भी काम चल रहा है। काफ़ी भीड़ होने लग गई है आज का,
और ये तो टियागो है। सफारी वगैरह अभी भी आ रही है बढ़िया तरीके से ये काम के लिए। चलिए हम दिखाते हैं अपनी गाड़ी कहाँ है। यहीं कहीं आ गई थी, मैं थोड़ा काम लग गया था करने, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी यहाँ पे। पहले यही काम होना है, बैलेंसिंग होना है, पहले ये हो जाए उसके बाद में ये होना है। बाकी अलाइनमेंट वगैरह काम जो है उधर ही करेंगे सारा कुछ। और बाकी भीड़ वगैरह काफ़ी रहने लग गई है यहाँ पे, देख रहे हो अलाइनमेंट वगैरह हो रहा है, ऐसे होता है। मैंने आपको डिटेल में बताया है, वीडियो देखना और देख करके ऐसे चारों चीज़ों पर लगा के कंट्रोल करके इसको प्रॉपर बैलेंस कर दिया जाता है, देख रहे हो अलाइनमेंट किया जाता है बैलेंस का। ठीक है, अब जो है अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट का नंबर आ गया है। देखो यहाँ पे गाड़ी ऐसे खड़ी हो जाती है, स्टैंड आउट हो जाता है। और अब जो है इसके अंदर ये मैकेनिज्म पूरा लगा दिया जाता है चारों टायरों में, और स्टेयरिंग में एकदम जाम कर दिया जाता है, और फिर इसकी जो है अलाइनमेंट जो है सही से कर दिया जाता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने, देख लेना चाहे। तो ये देखो यहाँ पे इसमें बताते हैं कि कौन सा इन आउट है कौन सा आउट है। ये देखो ये रेड, तो ये देखो ये अपनी अलाइनमेंट की जो है रिपोर्ट है, कुछ ऐसी बन के आती है। इसमें टो और चैम्बर आप देख रहे हो प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, नीचे पीछे वाली टायर थी इसमें अलाइनमेंट होते नहीं है। अब चलते हैं हम इसकी बैलेंसिंग वगैरह के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए हम चलते हैं उधर ईवी स्पेसिफिक में। और अब जो अपनी गाड़ी इधर आ गई है, और ये जो है अभी इसके इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहे हैं, सारे जो लाइट्स वगैरह कौन सी काम करे कौन सी नहीं करे, क्या क्या बटन वगैरह है, टेल गेट ओपन क्लोज, देखो सारी कुछ चीज़ें जो है चेक कर रहे हैं, ब्रेक ऑन ऑफ सब, मतलब ब्रेक छोड़ दो बंद कर दो, ठीक है, आगे की लाइट वगैरह इन्होंने जो है चेक कर दी। तो ऐसे करके मेजर सर्विस, फर्स्ट पेड मेजर सर्विस में ये सब काम होता है। फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा मैं कितना पैसा वगैरह आएगा क्या कुछ है। बोनेट से भी ये खोल के और ये सारी चीज़ें जो है चेक करते हैं, ऑक्स बैटरी वगैरह भी चेक करते हैं, कूलेंट लेवल वगैरह सब कुछ चीज़ें जो है चेक करते हैं, ब्रेक ऑयल वगैरह चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब इसकी ऑक्स बैटरी की जो ग्रेविटी वगैरह है वो भी चेक कर ली गई है। इसके अंदर क्या है, थोड़ा पानी वगैरह मारने से हम अवॉइड करते हैं, बाकी तभी गंदा हो रखा है। बाकी इसका जो कूलेंट वगैरह है वो भी लेवल चेक कर लिया है, टायर जो है लूज़ कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा लिफ्ट ऊपर उठा देंगे और फिर जो है हम चेक करेंगे नीचे क्या कुछ सीन वगैरह आपको जो है देखने को मिलता है, ये अंदर का पार्ट वगैरह है। अब भाई जो है इसको सबसे पहले टायर ही खोलेगा, अलाइनमेंट हम करवा लें, बैलेंसिंग जो है यहाँ पे इन्होंने ईवी के लिए स्पेसिफिक यहाँ कर दी। तो पहले चारों टायर खोल के और छोड़ देगा ना भाई, अलाइनमेंट करेंगे साथ में और नीचे भी क्या कुछ चेक करेंगे इसके। ओए देखो भाई, ये होते हैं कारीगरों के काम, एक्सपर्ट बंदे होते हैं, नहीं तो हमें तो डर लग जाता है भाई इतना। अब देखो इधर वाले टायर भी भाई, आजकल सिस्टम सारा मशीन से है भाई, मेरा काम कर रहे हैं। बाकी नीचे का सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये है इससे नीचे गाड़ी के हालात गंदी हो रखे हैं, ये वायरिंग वगैरह आती है देख लो, ये सीधा कोई भी प्लग प्लग कर रहे हैं, टायर कितना ऊपर उठा देते हैं भाई। सर भाई जो है बैलेंसिंग करेगा भाई, इसके टायर देखना कितने परसेंटेज के आसपास है, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा है, 60% है क्या, तो 30,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, 60% टायर है, मतलब 90,000 100,000 चल जाएगी। यार मैंने सुना है ईवी में तो ज़्यादा चलते हैं, ये 30,000 चली हुई गाड़ी, 31,000 चल गई, बताओ हैं, अच्छा। यार मैंने एक देखा था भाई किसी की गाड़ी में 2,00,000 किलोमीटर चल गई गाड़ी, हैं नहीं होता, हाँ ये तो बात है, एक है भाई, ठीक है भाई। अभी इसकी बैलेंसिंग वगैरह कर लेता है और फिर दिखाते हैं हम इसके अंदर क्या कुछ सीन है। बाकी इधर जो अंडर बॉडी चेकअप वगैरह का काम चल रहा है, इधर बैटरी की वायरिंग वगैरह का काम चल रहा है, देख लो ये टियागो है, बाकी बढ़िया जोरों शोरों पर काम है, फुल लोडिंग के साथ काम चल रहा है। अब जो है इसकी ये हरी है बैलेंसिंग, देखो यहाँ पे पहले वाले जो लगे हुए थे वो हटा दिए जाते हैं, फिर ये करते हैं, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये पूरा एकदम साफ करके निशान लगा देते हैं भाई, और फिर जो है ये लगा देते हैं इसके ऊपर, इस हिसाब से इसको घुमा के और पता चल जाता है कहाँ क्या दिक्कत है, और उसके हिसाब से ये कर देते हैं। तो अब देखो अब इसकी जो है बैलेंसिंग प्रॉपर कर दी है इन्होंने, ये लगा दिया है, और अब ये जो 0-0 हो गया इसका मतलब है इसकी बैलेंसिंग प्रॉपर होगी, इसी हिसाब से इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ऐसे ही जो है अब चारों टायरों की हम जो है बैलेंसिंग कर देंगे, क्यों भाई ऐसी हो जाएगी ना, हाँ ठीक है कर रहे हैं। और जो ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग है ना ये ज़रूरी होती है, 10-15 किलोमीटर पर गाड़ी की करवानी चाहिए, और इससे क्या होता है थोड़ा सा 5,000 करवानी चाहिए। अरे भाई बट ये चीज़ ध्यान रखना, इसका
इसमें ये पीछे का टायर है ना, यहीं पे रख देना, इसमें वो लगे हुए हैं TPMS, फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे हाँ है ना। तो ये टायर जहाँ पे अभी तो उसी लोकेशन पे है, कई बार उल्टे सीधे हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो मेन जो है ये होता है इसके अंदर, ये गियर ऑयल, गियर ऑयल रोटेटर ऑयल जो है अपना चेंज होता है। ये देखो ये निकल रहा है, ये है तो सही है, खराब है, फूक गया, फूक गया यार। हम तो फूकते नहीं है इसमें, पता नहीं क्या इंजन डलता नहीं, इंजन होता नहीं है। ठीक है, बट ये आ रहा है, दूसरा डालेंगे अभी, दूसरा देखते हैं कैसे डालते हैं। ये यहीं से डलता है ऊपर से, यहीं से डलेगा कैसे? अच्छा इसके अंदर से जाएगा ये, ये नीचे निकलता है देखो, इसमें इतना 1.5 लीटर या 1.5 लीटर वापस डलेगा ना, बट ये फूक गया बता रहे हैं। बट हाँ फर्क तो, ये ब्लैक है, दूसरा डब्बा आएगा उसमें दिखाऊंगा मैं आपको, ये थोड़ा से काला काला सा लग रहा है ना, दूसरे वाले डब्बे में दिखाऊंगा एकदम क्लीन जो है आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, बूस्ट चेक हो रहा है, यहाँ पे बूस्ट वगैरह जो है वही चेक कर रहा है। यहाँ पे तेल डाल रहे हैं ये भाई, बूस्ट वगैरह जो चेक हो रहे हैं। मैं गाड़ी के नीचे खड़ा हूँ, देखो क्या सही है ना, सही है, ओके ओके। इसको कैसे डालेंगे, मेरे को तो ये तेल डालने वाले हैरानी की बात है, कैसे डालोगे भाई? ये यहाँ से इधर से जो इधर से हाँ, अच्छा ये होने इसमें से डाला जाए। ये तो यार उल्टा पंगा है इनका, ऊपर से डालना चाहिए इनको, ऊपर से नहीं गिरता है, नीचे से गिरता है। देखो तरीका होता है गिरने का, ऐसे डालते हैं ये, ऐसा तो तरीका ही है। चेहरा दिखाओ फिर, भैया का फेस तो दिख रहा है भाई, डालना नहीं ही है भैया ना, मैंने पहली बार देखा यहाँ पे। और ये देखो ऐसे जो है इसके अंदर जो है रोटेटर ऑयल डल जाता है, और इधर से निकालना होता है जो ख़राब होता है, हर 15,000 किलोमीटर पे इसको निकाल दो, चेंज करवा लो। ठीक है, और बाकी अंदर की वायरिंग वगैरह देख लो आप यहाँ से, अगर आपको दिख रही हो क्लियरली। कितना 1.5 लीटर पूरा ले आएगा एक साथ ही, एक साथ आ गया नहीं, 1300 ml डलता है, निकल रहा तो ज़्यादा था, कचरा सा था क्या कुछ, या वो 1300 ही था, 1300 ही निकलेगा, बट वो ख़राब हो जाता है ऐसा। पेट्रोल डीजल की गाड़ी में तो कम हो जाता है ना ऑयल, इसमें कम नहीं होता है, इसमें कम नहीं होता। हाँ ठीक है, और इधर जो अपनी अलाइनमेंट हो गई है तीन टायरों की, भाई ने ऑयल डाल दिए हैं, अलाइनमेंट हो गई है, बाकी काम भी मोटे मोटे हो गए हैं। ठीक है, देख रहे हैं क्या कुछ पेंडिंग है, तो वीडियो को आप इंजॉय कीजिए, और बताऊँगा लास्ट में कितनी कॉस्ट आती है। 35,000 किलोमीटर मेजर से 30,000 किलोमीटर वाली है उसकी, और क्या रह गया अब भाई, काम जो है आलमोस्ट हमने करवा लिए है, 11:30 बजे लगे थे, 12:30 बजे, और आलमोस्ट जो है सारा काम हमने करवा लिया। ये कैलिपर पे सप्रे वगैरह मंगवाई, और ये एड ऑन थे कुछ, हमने भैया बोला फ्री में कर रहे तो कर दो, तो इन्होंने फ्री में ही कहे लगभग यही है, पैसे जैसे देंगे नहीं हम इनके, क्योंकि मैंने मना कर दिया, फिर बोला सर करवा लो, मैंने कहा ठीक है भाई पैसे देंगे नहीं है, बाकी सुंदर लगते हैं इससे कैलिपर वगैरह, देख रहे हो आप, अलाइनमेंट हो गया, बैलेंसिंग हो गया, ऑयल चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल आइटम्स चेक हो गए, बूस्ट वगैरह चेक हो गया, ब्रेक पैड वगैरह क्लीनिंग हो गई, सारा कुछ जो है मोटा मोटा हो गया। अभी बताता हूँ फाइनल वॉशिंग वगैरह करके कितना जो है कैलकुलेशन वगैरह आता है, SOC वगैरह भी चेक करवाना है अभी तो हमें। ठीक है, बाकी बढ़िया जो है भाई, दोनों भाइयों ने बढ़िया काम किया है, फटाफट चक दिया फटा, ठीक है, सुपर फास्ट काम किया यार, देख रहे हो। और देखते हैं बाकी क्या कुछ रहे, देखो पेड सर्विस है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए, कैलिपर ऑयल वगैरह, ये सब गियर ऑयल हो गया, बस ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग होगी अपनी, ये तो ऐसे सी है मैंने लिखा दिया, कोई प्रॉब्लम थी नहीं है हमारे पास। तो भैया अंडरबॉडी जो भी काम था सारा कुछ हो गया है, अब गाड़ी जो अपनी नीचे आ रही है, अब AC फिल्टर चेक होना रहा है, SOC चेक होनी है, और फिर वॉशिंग वगैरह होनी बाकी है। तो ये काम अब इनका जो है लंच हो गया है, सारे गए लंच होते ही 1 बजे ही, सब खाली पूरा एरिया, लंच होने के बाद में आएंगे और आके फिर करेंगे, नहीं तो काम तो कुछ ना बचा था, हमने करवा लिया था फटाफट। तो अब जो है AC फिल्टर चेंज किया जा रहा है 15,000 रुपये, ये भी चेंज करवा ही लेना चाहिए, यहाँ से चेंज होता है, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कैसे निकलता है, अभी और दिखा देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, 400-450 का AC फिल्टर आता है, देख लो आप, ये इसके नीचे से लेते हैं, एक नट इधर भी है नीचे, और काफ़ी थोड़ा सा टफ सा है इसका नेक्सॉन का AC फिल्टर वगैरह चेंज करना। भाई और क्या रह गया अपना, क्या क्या काम हो गया? ओके, सब काम हो गया, सब काम हो गया, रेडी है, चलो अब जो है ये है इसका लैपटॉप लगा के वो तो चेक करना है अभी, करेंगे SOC वगैरह, बैटरी हेल्थ वगैरह जो भी है चेक कर लेंगे। देखो नीचे से जुगाड़ में निकलता है भाई इसका, थोड़ा सा टफ सा ही काम है, ये देखो ये पूरा बॉक्स है, इसके नीचे हाथ डालना पड़ता है, ये रबड़ सही है, देखो मोड़ दिया भाई, मुड़ेगा नहीं वो सीधा हो जाएगा,
तो एसी फिल्टर की कंडीशन देखते हैं, अगर कंडीशन सही होती है जरूर थोड़ी ना चेंज करने की। नहीं, कंडीशन खराब ही रहती है, कंडीशन खराब ही रहती है, खराब कर देते होंगे आप। देख लीजिए आप, देखते हैं भाई निकाल रहे हैं, देखेंगे आप कैसे। ये देखो ये वाला है पैलोन वाला फिल्टर है, जिसके अंदर AQA नहीं होता है उसमें ये चलता है, जिसमें AQA वगैरह होता है उसमें थोड़ा सा महंगा वाला आता है ना जी। ये ठीक है यार, कौन सा AQA कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं। ठीक है भाई, नटी नट निकाले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकाले जा रहे हैं, जुगाड़ में बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। लगाओगे कैसे भाई, सारे सेट हो जाएंगे क्या? सब हो जाएंगे यार, सही तो है फिल्टर ये तो तेरी। ये देखो फिल्टर का हाल, ठीक है, तो इसलिए चेंज करवा ही लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू फिल्टर दिखाओ, है न्यू फिल्टर दिखाओ, ये वाला ना, ये वाला खोल रहे, देखो ये फिल्टर खोल दिया नया वाला। इसकी ऐसी क्लीनिंग ही तो कर दो, वो क्या मारते हो उसको, लुब्रिकेशन वाला करें। हाँ वो लगा देना, ठीक है, पीछे वाले में भी थोड़ा सा लगा देना, ठीक है, सही सही, इसको बढ़िया तरीके से लगा दो। तो ये फिल्टर देखो, ये बड़ा मेहनत का काम है इसका, फिल्टर चेंज करना, बाकी गाड़ियों में इजी से हो जाता है, ग्लो बॉक्स ओपन करो और फिल्टर चेंज करो। टाटा वालों ने पता नहीं कहाँ लगाया इसको। तो इधर जो है ये लैपटॉप लगा के एरर वगैरह चेक कर रहे हैं और कर रहे हैं, SOC जो है 99% है, 1% SOC कम हुई है 30% रनिंग के बाद में, बाकी हमारा जो सारा काम हो गया, अब वॉशिंग करवाएंगे, चलिए चलते हैं। तो सर्विस वगैरह सारा कुछ हो गया, अब जो है वॉशिंग हो रही है गाड़ी की, बड़ी गंदी थी, अच्छे तरीके से वॉशिंग वगैरह होगी, साथ में AC के अंदर ड्राई क्लीन वगैरह करेंगे, टोटल साइड में रबिंग वगैरह वो भी करेंगे, सब काम हो जाएगा अपना, अंडर वॉशिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी भैया बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कटेंडेंट वगैरह है। सैटरडे संडे आना मत, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अभी इसका फाइनल कैलकुलेशन करके बताता हूँ, मोटा मोटा बता दूँ मैं आपको, 4500-5000 के आसपास का इसका बजट बनता है। फर्स्ट पेड सर्विस ऑफ टाटा नेक्सॉन EV जो 30,000 किलोमीटर पर होती है, मेजर सर्विस है, जिसके अंदर AC फिल्टर अलाइनमेंट बैलेंसिंग सर्विस कोस्ट और ऑयल वगैरह का खर्चा आता है, तो ऐसा कुछ करके है बात। ये देखो अब जो इसको साफ करें, देखो पहले क्या होता था, ये इसके ऊपर भी पानी मारते थे, ठीक है, अब क्या है कोई गाड़ी में आग वाग लग गई बता रहे हैं, उसके बाद में ना इसके ऊपर पानी नहीं मारे, फिर भी आ ही गया है पानी, तो बट ये बता रहे हैं कि आप मना कर दिया पहले ये खोल के और पानी मार देते थे, मैंने मेरी पहले की वीडियो में दिखाया होगा आपको। अब जो इसको पानी वगैरह नहीं मारते, अब इसको सारा साफ़ करेंगे, ये देख रहे हो पैनल वगैरह साफ करें, एक एक सारी चीज़ें जो है उसकी साफ़ कर दी जाएगी, देख रहे हो आप, बड़े तरीके से इसको जो है साफ कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी पानी आ गया है, क्लीन अप कर देंगे, देख लो, तो ऐसे करके सारी चीज़ें जो है बढ़िया तरीके से साफ कर देंगे भाई, चमका देंगे इसको पूरा, लगे हुए 10-15 लोग लग जाते हैं एक साथ, देख लो आप। चलो ये आई अपनी कॉस्ट जो है 4516 रुपये, फिफ्थ सर्विस, फर्स्ट पेड सर्विस, फर्स्ट पेड मेजर सर्विस ऑफ टाटा नेक्सॉन EV, और इसके अंदर हमने सारा कुछ काम वाम करवा लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग का था, ये हमने यहाँ पे हटा लिया है, देख रहे हो आप। तो मैं बताऊँ अब कॉस्ट आपको, तो मेजर सर्विस है जिसकी कॉस्ट इन्होंने लगाई है 2000 रुपये, 10% डिस्काउंट के बाद में, फिर स्टैंडर्ड चेक्स कुछ नहीं लगा, वॉशिंग कुछ नहीं लगा, हेल्थ चेकअप कुछ नहीं लगा, अलाइनमेंट फ्री है, बैलेंसिंग भी फ्री है, और उसके बाद में वेट का जो है हमारा 156 लगा है, गियर ऑयल का 1851 रुपये लगा है, AC फिल्टर का 442 रुपये लगा है, टोटल लगे हैं इसमें 512 कैलकुलेशन है, इसमें ये 495 एड ऑन है, इसको टाके ये बनता है टोटल अपना 4516 रुपये। और ये सब है यहाँ पे जो है अपनी AC क्लीनिंग भी हो रही है भाई, AC क्लीनिंग कर रहे हैं भाई ने यार, वो बढ़िया किया था, क्या बोलते हैं उसको, क्या किया था सर आपने, वो रबिंग करा था, रबिंग की थी भाई ने यार, बढ़िया, थोड़ा सा डेंट सा लगा हुआ था, मैंने दिखाया था वो हटा दिया, और यहाँ पे AC क्लीनिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर जो है AC क्लीनिंग, ये जो पेंट वगैरह है दिख रहे हो आप, ये सारा कुछ काम जो है अपना फ्री पॉकेट में उन्होंने कर दिया अपना, ठीक है, तो ऐसे करके है। और ये देखो यहाँ पे था निशान, वो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, तो देखो ये सारा का सारा निशान जो है हट चुका है, इसने भाई ने रबिंग की थी, अब जो है इसको AC क्लीनिंग कर रहे हैं भाई, देख रहे हो आप पूरा फोम वोम जा करके और बढ़िया तरीके से। तो ये था पूरा वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा, थर्ड फर्स्ट मेजर सर्विस ऑफ टाटा नेक्सॉन EV का ये था वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।